हाँ तो भाई, क्या हाल है। आज है संडे और संडे के दिन हम खेलने वाले हैं बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम को। और बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम में मेरा फेवरेट गेम प्लेइंग मोड है टूर मोड। तो आज इस वीडियो में हम टूर मोड को ही खेलने वाले हैं। बाकी आपका बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम में सबसे फेवरेट गेम प्लेइंग मोड कौन सा है कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता देना। तो जो बस हम लोगों को बाई डिफॉल्ट मिल रही है उसी के साथ हम यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं। ग्राफिक सेटिंग देख लो भैया, मैंने हाई कर रखी है। बाकी सब कुछ बाई डिफॉल्ट हम लोगों को जो मिलता है उसी के साथ हम खेलने वाले हैं। तो टूर मोड के चलते हैं और कोई बढ़िया सा टूर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर मुझे जो सबसे बढ़िया लग रहा है वो है फैमिली गैदरिंग टू स्टीप बोंडो। तो यहां पर हम चलने वाले हैं, ज्यादा बड़ा रूट होने वाला है नहीं। यहां पर हमारी अर्निंग होगी 28.425। ये पैसे हैं या क्या है मुझे नहीं पता है। गो पर क्लिक कर देते हैं और गेम को लोड होने देते हैं। तो भाई गेम अपना लोड हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोगों को उस फैमिली के पास जाना है जिसको हम टूर पर लेकर जाने वाले हैं। आप लोगों को राइट हैंड साइड टॉप पर एक मैप दिखाई दे रहा होगा, उसमें एक ब्लू लाइन है, उसी को हम लोगों को फॉलो करना है। तो सबसे पहले अपनी बस को स्टार्ट कर लेते हैं। और फिलहाल मैं खेल रहा हूं गेम पैड के साथ, इसके साथ खेलते समय मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। तो अभी हम निकलते हैं सबसे पहले बस स्टैंड के बाहर, उसके बाद हम उस फैमिली को अपनी बस में बिठाएंगे। बाकी जो फैमिली होती है ना उसमें फैमिली मेंबर कम और ब्लॉगर ज्यादा होते हैं, वो अभी थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पर ये बच्चे चिल्ला रहे हैं गो कोरोना गो। कोरोना जा चुका है भैया, हमारे इंडिया में तो जा चुका है और इंडोनेशिया का मुझे पता नहीं। तो भाई फिलहाल हम वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पर फैमिली खड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम लोगों को इस फैमिली को बिठाना है। अभी फैमिली को देखना ध्यान से, यहां पर मेंबर कम से हैं और ब्लॉगर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। नहीं भाई, थोड़े ब्लॉगर्स। आज पिछली जो फैमिली थी मैं जिसको टूर पर लेके गया था ना उसमें ब्लॉगर बहुत सारे थे। फिलहाल ये बंदे बैठ रहे हैं, मैं इसको स्किप कर देता हूँ क्योंकि काफी समय लगा देते हैं। तो अभी हमने फैमिली को बिठा लिया है, अभी हम निकलते हैं फैमिली को लेकर टूर पर। यह रास्ता बहुत ही मजेदार होने वाला है भाई, स्पेशली जब जब मैंने टूर मोड को खेला है ना आपका रिस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा बढ़िया रहा है। तो मेरे लिए तो फायदेमंद है, साथ ही आपको भी मजा आने वाला है। आप भी इसको खेलना क्योंकि भाई ये नया मोड है जो अभी पिछले अपडेट में ही बस सिमुलेटर इंडोनेशिया के अंदर ऐड हुआ था। तो अभी हम निकलते हैं भाई, जाने तो यार एक बार हमें, उसके बाद तुम लोग हॉर्न दे देना। यहाँ पर अस्पताल भी है, यानी एक्सीडेंट होता तो हम यहीं से अपने पैसेंजर को ले जाते हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन ऐसा होना ही क्यों भाई। अभी हम अपनी बस को भगाएंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को जूम आउट करके दिखाता हूँ, एकदम से ड्रोन कैमरा एंगल वाला व्यू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल छोटी सी बस हो गई। यहाँ पर एक रिवर थी वो भी आप लोगों को दिखाई दी होगी, ये बिल्कुल अंदर ही घुस गए थे। इसको थोड़ा सा आहा, ये ब्रेक की आवाज़ देखो कितनी प्यारी है। यहाँ पर बाल काटने यानी बार्बर की दुकान थी। फिलहाल हमें तो कोई कटिंग वटिंग कराना नहीं, सेटिंग बंद कर लेता हूँ। मैंने ये सेटिंग क्यों ऑन कर रखी है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं गेम पैड के साथ खेल रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ बाकी आपको ये पहले भी, ठीक है। बाकी मैंने कट कर दिया वो पार्ट मुझे नहीं पता। तो अभी भगाते हैं थोड़ी सी बस को फटाफट। अच्छा खासा ट्रैफिक है भाई, ब्रेक ब्रेक। चलो देखते हैं ये टूरिस्ट प्लेस कैसा है। इसमें एक दिक्कत है कि टूरिस्ट प्लेस के अंदर हम नहीं जा सकते। पिछली बार हम टेंपल में गए थे, वहाँ पर मत्था टेकना था हमें, लेकिन हम अंदर जा ही नहीं पाए भाई। नीचे ओ हो भाई, बच गए रे। ये बस वाला कहाँ से आ गया एकदम से। रुक 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 रुक, सही है, हो जाता यहाँ पर कल्याणम अपना। सही चल रहे हैं अभी हम, अभी हमें, अरे भाई ये हमें आगे जाने ही देते इस लकड़ी वाले ट्रक से। अभी हम निकलेंगे, क्यों बे रास्ता नहीं दे रहा था। अभी रोकना, अभी रोकना, ये पासिंग मांग रहे हैं बाइक वाले। यहाँ पर कोई स्टैचू है भाई, बारिश आ गई भाई बारिश। ये स्टैचू देखो भाई, ये रहा। ओ हो, वाइपर ऑन करने पड़ेंगे ना, उसके लिए सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी। वाइपर 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 जल्दी से मिल जा भाई। मिल गई, फिर से सेटिंग बंद कर देता हूँ मैं। इन्होंने हेडलाइट भी जला ली, मैं नहीं जलाने वाला भाई हेडलाइट, इतनी रात थोड़ी हुई है, बारिश तो आई है। ब्रो यहाँ पर लोडिंग मैप होगा तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों का भी वेट करना पड़ेगा। 3, 2 और 1। तो भाई मैप अपना लोड हो चुका है, हम शायद किसी दूसरी सिटी में आ गए। यही तो खराब चीज़ रखती है मुझे इस गेम के अंदर, डायरेक्ट हम किसी दूसरी सिटी में पहुँच जाते हैं भाई, बीच का जो रास्ता होता है वो गायब हो जाता है। अभी देखो यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति हो चुकी है। फिलहाल हमारे हरियाणा में पहुंच चुके पर बाढ़ आई हुई है भाई, 600 जिलों के आसपास डूब चुके हैं, 600 गांव सॉरी जिले, तो हमारे यहाँ पर 22 ही हैं भाई। तो यहाँ पर अच्छा ये तो पेट्रोल वाला है, मेरे को लगा कि यहीं पर हम लोगों को आना था, लेकिन यहाँ पर तो हम पेट्रोल डलवा सकते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल है। इंडिकेटर मैंने क्यों दे रखे हैं भाई, मैं पागल हो गया जो मैंने इंडिकेटर दे रखे हैं यहाँ पर।
तो अब कैमरा एंगल चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर फिर एक्सीडेंट हो जाना है भाई, जो मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि बड़े बड़े प्यारे से पैसेंजर बैठे हैं, चुल्लू मुल्लू हर प्रकार के बंदे हैं भैया अपने बस में। वैसे बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है, गेम के अंदर बारिश बहुत होती है भाई, बहुत ही बारिश वाला गेम है राजा मार्ट। आप लोगों को बहुत सारे मार्ट देखने को मिल जाते हैं इस गेम के अंदर। ये मस्जिद है, हमने क्रॉस कर लिया इसको। ओए यहाँ पर राम गरज रहा है भाई, लेकिन हम दौड़े जा रहे हैं अपनी बस के साथ ब्रदर। ये आउटसाइड में चलते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा जूम में। ओ भाई कुछ ज़्यादा ही हो गया शायद। अभी हम लोगों को एक बार फिर से लोडिंग मैप करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। कुछ ज़्यादा स्पीड में बस हो गई है, लेकिन यहाँ पर फोर वे रास्ता है, कोई टेंशन की बात नहीं भाई। भाई तेरा प्रो है, रॉन्ग साइड चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई नहीं, खाली सड़क है। अभी हम अपनी लाइन में आ जाते हैं, क्या पता चलान कर दें, क्योंकि ETS 2 में हो जाता है। हाँ यहाँ पर फिर से वही हॉस्पिटल आ गया, हम वापस तो नहीं आ गए। यहाँ पर गोल गोल घूमना है, जाने दो भाई। आगे डिवाइडर है, डिवाइडर है तो अपनी लाइन में आ जाते हैं ब्रदर, वरना ठोक देंगे हम बढ़िया वाला। ओ गलत रास्ते पे चले गए, गलत रास्ते पे चले गए, गलत रास्ते पे चले गए। यहाँ से टर्न लेना पड़ेगा, गलत रास्ते पे चले गए थे हम, थोड़ा सा बहक गए थे बातों बातों में और हम निकल गए थे आगे की तरफ। तो अभी हम टर्न ले लिया है, यू टर्न वाला, और यहीं से हमें लेना है टर्न। हाँ हाँ ठोक दे भाई। अभी अच्छी खासी धूप निकल चुकी है गेम के अंदर, बारिश थी जो रुक चुकी है, अभी फिर से धूप निकल चुकी है। चलो सही है, ये भी कितनी दूर और जाना है वो मुझे भी नहीं पता है, जहाँ तक जाएंगे मिल कर जाएंगे। ठीक है, भागना मत, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। 1:15 का टाइम हो चुका है गेम के अंदर, और एक्चुअल में भाई रात के 2 बजने वाले हैं। शायद पहुंच गए भाई, आगे ट्रेन दिखाई दे रहा है मेरे को, वहीं पे जाना है शायद, आई थिंक सो, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है क्या, बहुत कम बंदे देखने को मिल रहे हैं भाई। एक शायद समुद्र का किनारा है, वहीं पर हमें जाना है, कुछ है घूमने घूमने का वहाँ पे, हमें मेरे को भी नहीं पता सही तरह से क्या चीज़ है, लेकिन कुछ तो है। यहीं पर ब्रेक दे ले, यहीं से जाना है। यहाँ पे तो ढाबा है एक छोटा सा, चाय वाय बना रहे हैं, बिल्कुल यहीं से जाना है भाई, आगे ही मंजिल है अपनी। यहाँ पर पंचर की दुकान थी, फिलहाल पंचर वेंचर हो नहीं रखा, तो हम किराए को पंचर लगवाएं भाई। इंडिकेटर बंद नहीं होते भाई, बस ओ हो अपनी बस कूद गई भाई। चलो आ गए हम फाइनली सिटू बोंडो, पता नहीं क्या नाम है भाई अजीब सा, लेकिन जो भी है हम आ गए सिटू बोंडो। यहाँ पर बस को पार्क करना है, उतर लो भाई, जाओ मौज मारो भाई, मैंने आप लोगों को पहुँचा दिया है। सभी ब्लॉगर उतरो, घूमो फिरो, हम भी अपने ड्राइवर को बाहर निकाल लेते हैं। चल बेटे तू भी मौज मार थोड़ी सी, यहाँ पर कुछ देखने लायक तो है नहीं। अच्छा भाई कहाँ जाओगे, अरे कहाँ जाओगे ब्लॉगर साहब सौरभ जोशी। तो यहाँ पर ये एक घूमने की जगह है बस, और कुछ खास जगह है नहीं, तो आप भी नज़ारा देख लो। तो बस इसी गेम प्ले वीडियो को इसी जगह पर हम खत्म कर देते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। मिलते हैं, चल तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।